भारी बारिश और बाढ़ ने प्रदेश भर में तबाही मचाई है। चुराह की बात करें तो यहाँ भी बरसात ने अपना रौद्र रूप दिखाया और ग्राम पंचायत कोहाल के अंतर्गत आने वाले गांव सोही में प्रकृति के रौद्र रूप से 6 घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जिस कारण ग्रामीणों के सर से छत उड़ गई और पीड़ित परिवारों को पड़ोसियों के घरों में जाकर शरण लेनी पड़ी। इतना ही नहीं, मवेशियों को उस दिन ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। शुक्रवार को हमारे संवाददाता ने सोही गांव पहू का जाकर स्थिति का जायजा लिया, इसके साथ ही ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार प्रशासन इन ग्रामीणों की मदद करे। बाकी क्या कहना है पीड़ितों का सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। इस वक्त दोस्तों हम सोही गांव में मौजूद हैं जो ग्राम पंचायत कोहाल के अंतर्गत आता है, और बीते कुछ दिन पहले की मैं बात करूं तो तकरीबन 5 दिन पहले यहां पर बादल फटा। बादल फटने के चलते यहाँ पर 6 घर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, यूं कहें कि पूरे के पूरे घर जो है वो खत्म हो गए हैं। तो क्या हालात हैं, ग्रामीणों से हम जानकारी लेते हैं। फिलहाल इनसे पूछते हैं। जी माता, आपका नाम? अमरा। अच्छा, कैसे हुआ उस दिन ये हादसा, पूरा मामला क्या है? ऐसे रोटी खाना लगे जी, भरोरी अच्छी तरह पे उसको बुझना कैसा हुआ, बिजली पे चटके बादल फटा ना। अच्छा। हाँ, तो मेरी सारे ग्राम आसे पासे वो ये कोई सुध बुध नहीं रहे। अच्छा। कोई घर बार नहीं चुकी, दबी ये कोई कुछ नहीं बचा। अच्छा। हाँ, तो कितने मतलब लोग जो थे उस टाइम जब ये आपदा आई, तो क्या लोगों ने सहयोग किया? बड़ा भारी भाईचारे, धन्यवाद बेर बेर। अच्छा। बड़ा भारी सहयोग किया। अच्छा, आपका घर कहाँ है अभी, मकान? अब ये मकान भाई तक ही आपका घर कुत्ते होना, भाजी तक ही यहाँ पे कुत्ते घर जी। हाँ, ये मेरे मुंडे दो मकान का ये भी टूटी है। अच्छा। अकेले किनारे की करने गिट्टे रहे ना वे मुंडे मेरे दो ना, ए तिस किनारे देख देख सामान बचा से भी रखा जे कुकड़ी दुकड़ी जड़ी के शीला दाए दो कैं से भी रखे जे ए बन बचा घर इते खान दे पीन दे वो कुछ नहीं बन। अच्छा, ये भी कुछ कहना चाहती है, इनसे भी पूछते हैं। जी, उस दिन कैसा मंजर था? मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी। अच्छा। ऐसे गौ माता की गौशाला में पानी आ रहा था, हम छूट रहे थे ना जी। तो ऐसे फिर नाली नाली पानी बनाते गए, ऊपर से बादल से टूटा। अच्छा। ऐसा दलदल आ गया। हाँ। हम भाग से बचे, भागते भागते यहाँ पर आए तो दलदल टूटे ऊपर आ पड़ा। अच्छा। इसके ऊपर क्या कोई और घर मौजूद थे? हाँ जी। अब वो आपको तस्वीरों के माध्यम से हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि आखिर हालात क्या है। और यहाँ पर इसके ऊपर भी जो गांव है वो बहुत सारे गांव थे, तकरीबन 2 या 3 घर मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी होंगे जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और इस घर का ना पीछे 5 घर। अच्छा। हाँ, 5 घर, एक किटे से 2-4 पीछे थल्ले पुटी ए भाई चार पुटी लेना से पड़ी चादरा प्योरी ने सामान बड़ा भारी तभी यह सामान कुछ रहे नहीं घर बारे। तो यहाँ के और भी स्थानीय लोग इनसे पूछते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी आपदा हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? सर, ये तो भगवान का बहुत शुक्र है कि इन्होंने जान माल का नुकसान नहीं होने दिया। बाकी ये तो 5-6 मकान इसके ऊपर हैं, पूरी तरह से दब गया है। 5-6 मकान इसके ऊपर थे, वो भी स्टोर थे, कुछ किचन घर थे, वो सब तबाह हो गए हैं पूरे। और इसमें जो अपना लोकल भाईचारा है हमारा, उन्होंने बहुत सहयोग किया। उस दिन आए, बहुत बुरा हाल था, ये पानी पूरा आ रहा था, मलबा पूरा आ रहा था, तो सारा पानी इस रस्ते से नीचे जा रहा था, दलदल भी इस रस्ते से नीचे जा रहा था। तो सभी ने हिम्मत करके ऊपर जाके सड़क से ये ड्रेन बनी है इसके रास्ते से पानी निकाला, तभी कुछ संभव हुआ। भाई ये तो है कि जो हमारी लोकलिटी है उनका मैं उपप्रधान को हाल होने के नाते सबसे बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उस समय उन लोगों ने हमारी मदद की, नहीं तो ऐसा भी संभव था कि ये भी नीचे भी सब दब सकता था। क्या सरकार और प्रशासन की तरफ से, यहाँ पर 5 दिन हो चुके हैं, क्या उनकी तरफ से मुआयना किया गया? जी, उस दिन एक्चुअल मौसम भी खराब था, सड़कों की हालत भी खराब थी। जो हमारा पटवारी है उनको भी दो परिवार सर्कल का जो है चार्ज मिला हुआ है, और वो एक सर्कल जो जसौर है वो है, जसौर यहाँ से काफ़ी दूर है, सड़कों की हालत खस्ता थी, तो उन्होंने फोनी के लिए संपर्क किया हमारे प्रधानपति हैं श्री ठाकरदास जी, उनसे और हमें संपर्क किया कि भाई जो भी फौरी राहत हो सकती है वो आप कीजिए, रिपोर्टें बनवाइए। और हमें व्हाट्सएप थ्रू कानूको का फ़ोन आया, तहसीलदार साहब का फ़ोन आया कि हम अभी पहुंच नहीं सकते हैं, तो आप प्लीज़ वहां पे जाके ये कीजिए, जो कुछ जितना नुकसान हुआ है जी, उसको उसके बारे में बताइए कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है।
तो उनको हमने भी, ये वार्ड मेंबर साहब भी हैं हमारे साथ, तो हम सब ने मिल के और पूरे गांव वालों ने मिल के पूरा जो है इस चीज़ का निरीक्षण किया, और पटवारी को भी व्हाट्सएप और कानून को, तहसीलदार साहब को सब कुछ व्हाट्सएप किया। क्या फौरी राहत इनको मिली? जी उस समय उन्होंने बताया था हमें कि उनको 5,000 रुपए जो यानी कि वो परिवार हैं उनको 5,000 रुपए दिए जाएं, और साथ में हमारा जो परिवार सर्कल का चौकीदार है वो भी हमारे साथ था। जी तो यहाँ पर बात करना चाहेंगे हम, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो किसी को पूछ कर नहीं आती हैं। तो देखिए यहाँ के प्रधान उपप्रधान जो है इनसे हमने बातचीत की है, और जो स्थानीय, देखिए कैमरामैन से कहना चाहूंगा थोड़ा आगे आए, घर की थोड़े तस्वीरें हम दिखा लेते हैं कि आखिर जो हालत है वो कितनी दयनीय हुई है। ये देखिए ये मकान जो है वो पूरी तरह से कीचड़ से भर गया है, और ये पूरा का पूरा मकान जो है वो पूरी तरह से फट गया। आप वहां पर दिखाइए, जो मवेशियों के लिए घास रखा था वो पूरी तरह से यहाँ पर जो वो खराब हो चुका है। और आप गनीमत ये रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मतलब जान का नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि क्षति बहुत बड़ी हुई है लेकिन यहाँ पर जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो स्थानीय इनके ग्रामीण हैं, जब बादल फटा उसके बाद जो वो सबने मिल करके इस प्राकृतिक आपदा से जूझना शुरू किया और जैसे तैसे करके माल मवेशियों को यहाँ से हटाया। फिलहाल अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जो सरकार प्रशासन है वो इनकी कितनी मदद कर पाती है, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा है। देखिए सरकार प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, इतनी बड़ी आपदा हुई है, अपील करना चाहेंगे घर पहुंचेंगे सरकार पत्या चढ़ो जो लाख रुपया नहीं तो पत्या चढ़ी लाख रुपया मेरे घर नहीं पहुंचे दे मेरे घर की थी पूरी मैं जेंगी मुंह जी हाँ और के भागना तो अगर के भागना सारी घर बारी लड़ी गई घर मुकी है ते लख कि दो कि डेढ़ लख दो सरकार ते कहीं काम बंद है जमाना के है जी घर होना चाहिए मेरे घर जितना पैसा लगना सरकार भी जान दी कि हम मकान पुंदे ते तेरा पैसा होना चाहिए ना मिले ता जान दी हम सरकार भी बेर बेर धन्यवाद कर दी जी और के भागना तो कहीं अगर घर दबी ये और लोगों का सहयोग जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिलहाल आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी, चुरहा से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।